तो लास्ट टाइम हमने बाइसेप का देखा था, अभी जो फाइव एक्सरसाइज रिमेनिंग है उनका देख लेते हैं। अभी ये प्लैंक्स है, इस प्लैंक कार्डियो पे क्लिक करेंगे तो हमारा कॉल जाएगा गेट एक्सरसाइज काउंट को। गेट एक्सरसाइज काउंट में हमने, अगर आपका एक्सरसाइज टाइप अगर प्लैंक है तो क्या होगा, गेट प्लैंक काउंट को कॉल जाएगा उसमें, इधर इस पे कॉल जाएगा। अगर 3 सेकेंड्स के बाद जाएगा, इधर सक्सेस आया तो ही वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, नेक्स्ट ऐप पे जाएगा, थर्ड पार्टी ऐप को। थर्ड पार्टी ऐप है हमारा वेब कैमरा, तो उसमें कॉल जाने के बाद आपको मोबाइल में वो दिखाई देगा और हम उसी से उसी यूआरएल से जो आपका वीडियो है वो फेच कर रहे हैं। तो हमने कॉल दिया गेट प्लैंक काउंट को, तो उसमें क्या होगा, स्टेज पहले ये इनिशियल वैल्यूज हमने सब 0 रखी है, स्टेज नन, फ्लैग और जो काउंटर है प्लैंक का वो पहले तो 0 है। ये यूजर नेम ग्लोबली डिक्लेयर किया है, वो हम किधर भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने एम पोज डॉट पोज से ये मॉडल हमने इनिशियलाइज किया, ये कॉन्फिडेंस वैल्यू हमने सेट की 0.5। ये रिड्यूस करने पे आपका जो मॉडल है वो प्रिसाइसली वर्क नहीं करेगा, इसलिए इतना ही रखा है एज पोज। इसके बाद वाइल ट्रू, जब तक वो वीडियो चालू है तब तक वो ये फेच करते रहेगा, इसलिए हमने वाइल ट्रू रखा है। इसके बाद ये जो इमेज रिस्पॉन्स में हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट यूआरएल, जो यूआरएल है उस यूआरएल से हमने इमेज को लिया, उस इमेज को हमने बाइट एरे में कन्वर्ट किया, बाइट एरे में है उसको हमने एनडी एरे में कन्वर्ट किया। इसके बाद cb2.imdecode, cb2.resize, रिसाइज करने के बाद जो फ्रेम है वो हमने उसकी हाइट एंड विड्थ हमने डिफाइन की। इसके बाद हमने जो आरजीबी कलर है, बीजीआर कलर को हमने आरजीबी में कन्वर्ट कर दिया। आरजीबी में कन्वर्ट करने के बाद वो ब्लैक एंड व्हाइट होगी। उसमें से हमने पोज डिटेक्ट की, पोज डिटेक्ट करने के बाद पोज डॉट प्रोसेस से हमने वो इमेज पास की, तो हमको रिजल्ट में जो डिक्शनरी है पोज डिटेक्शन की डिक्शनरी मिल जाएगी। तो उसमें हर एक अपने बॉडी में जितने भी ये लैंडमार्क्स है उसके लैंडमार्क्स वो डिटेक्ट करेगा, उस रिजल्ट वाले डिक्शनरी में आ जाएगा। इसके बाद हमने फिर से उसको आरजीबी को बीजीआर में कन्वर्ट किया, पहले कलरफुल थी उसको ब्लैक एंड व्हाइट में किया, फिर से उसको कलर में किया, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में ही हमने हमसे वो ये जो लैंडमार्क्स है वो डिटेक्ट करेगा, कलर इमेज में नहीं करता, इसलिए। उसके बाद हमने ट्राई कैच लगाया, इसमें लैंडमार्क्स आए हैं। लैंडमार्क्स में क्या होंगे, रिजल्ट हमने वो जो लिस्ट आई थी, लिस्ट नहीं डिक्शनरी, उसमें से लैंडमार्क्स फेच किए, कौन से लैंडमार्क्स, पोज लैंडमार्क्स और डॉट लैंडमार्क। हमने शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, हिप और नी, इतने जो लैंडमार्क्स थे वो हमने फेच की। अभी ये क्या है, लैंडमार्क डॉट इलेवन, इलेवन क्या है, अभी इलेवन क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। इलेवन हमारा ये वाला पॉइंट मतलब शोल्डर। इसके बाद एल्बो है 13, ये 13 वाला एल्बो है। इसके बाद रिस्ट है 15, ये वाला 15 है रिस्ट है हमारा, लेफ्ट वाला रिस्ट। इसके बाद हिप है हमारा 23, 23 ये वाला हिप है 23, और ये 23/y मीन्स ये वाला 24 वाला, मतलब ये x वाला ये और y वाला ये वाला। इसके बाद नी है 25, तो ये 25 नी है। तो हर एक का लैंडमार्क्स है वो रिट्रीव करेगा। इसके बाद हमने कैलकुलेट किया है, एंगल कैलकुलेट किया किसका, शोल्डर, एल्बो और रिस्ट का। इसके बाद
दूसरा वाला एंगल चेक किया, शोल्डर, हिप और नी का हमने कैलकुलेट में एनडीआरएम में कन्वर्ट किया। इसके बाद जो रेडियन आया था उसको हमने एनडीआरएम से फर्स्ट वाला वैल्यू लिया, बी में से सेकंड वाले एरे से फर्स्ट वाला वैल्यू, तो ये माइनस करने के बाद हमको जो एंगल आएगा वो एंगल हमने चेक किया। इफ एंगल आपका 180 से ऊपर है तो वो 360 माइनस एंगल फेच करेगा। इसके बाद अगर रिटर्न में क्या आएगा आपका एंगल, वही एंगल रिटर्न करेगा। अभी प्लैंक में ये जो एंगल हमने कैलकुलेट किए, ए एंगल एंगल वन यानी एंगल टू, और इसके बाद सीवी डॉट फुट टेक्स से हमने वो जो एंगल है वो उस इमेज पे राइट किए। इसके बाद हमने एंगल चेक किए, एंगल 80 से ऊपर है और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, ये वाले दोनों, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंगल आपका 80 के ऊपर रहना चाहिए, दूसरा जो एंगल है और वो 80 से ऊपर और 100 से नीचे रहेगा, और सेकेंड वाला जो एंगल है वो 170 से ऊपर और 190 के नीचे रहेगा, तो ही वो परफेक्ट स्टेज है प्लैंक का, नहीं तो वो रॉन्ग स्टेज है। तो हमने क्या किया, इफ आपका फ्लैग अगर 0 है और स्टेज अगर परफेक्ट है तो ही वो काउंटर इंक्रीमेंट होगा, एल्स इंक्रीमेंट नहीं होगा। इसके बाद सीवी टू डॉट रेक्टेंगल में हमने जो इमेज आई थी वही हमने पास की और उसका कलर सेट किया। सीवी टू डॉट फुट टेक्स्ट स्टेज प्लैंक है। इसके बाद इमेज में वो स्टेज दिखाई देगा आपका। इसके बाद हमने ये जो इंक्रीमेंट काउंट आया था वो डेटाबेस में अपलोड ये किया, इंक्रीमेंट किया, अपलोड 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 एक्सरसाइज काउंट सेट प्लैंक्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू दिस काउंटर और ये यूजर नेम। इसके बाद ये कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। सीवी टू डॉट पुट टेक्स्ट हमारा जो काउंट है वो अपने विंडो पर डिस्प्ले होगा। सीवी टू डॉट पुट टेक्स्ट है इमेज और ये जो टेक्स्ट है काउंटर जो स्ट्रिंग वाला काउंटर है वो आपको इधर व्यू होगा। इसके बाद एमपी ड्राइंग या हमारा जो लैंडमार्क्स दिखेंगे वो इमेज पे भी दिखेंगे, इसलिए हमने एमपी अंडरस्कोर ड्राइंग से ड्रॉ लैंडमार्क ये फंक्शन से हमने वो जो लैंडमार्क्स आए थे वो प्लॉट किए। इसके बाद सीवी टू डॉट आई एम श्योर से वो इमेज डिस्प्ले होगी। अगर आपकी ये हमने क्यू और एस्केप प्रेस किया तो आपका जो विंडो है वो ब्रेक होगी। सेम विद द डाउनवर्ड डॉग हमने क्या किया, पहले मॉडल इनिशियलाइज किया, मैप पोज, इंजिन, वॉइस, इसके बाद इंजिन डॉट सेट प्रॉपर्टी। ये हमने क्या किया है, गेट डाउनवर्ड डॉग को अगर कॉल जाएगा तो क्या होगा, स्टेज ये आई इज इक्वल टू 0, काउंटर इज इक्वल टू 0 और ये यूजर नेम इज इक्वल टू दिस जो ग्लोबली डिक्लेयर करेगा वो। इसके बाद एमपी पोज डॉट पोज हमने ये कॉन्फिडेंस लेवल सेट किया, ट्राई जो इमेज आई थी उसको हमने यूआरएल से फेच किया, एनडीआरएम में कन्वर्ट किया, डिकोड किया, सीवीटी डॉट रिसाइज इमेज उसको इमेज को रिसाइज किया, उसको आरजीबी में आरजीबी में कन्वर्ट किया। इसके बाद उसमें से लैंडमार्क्स फेच किए, लैंडमार्क्स फेच करने के बाद हमने फिर से उसको बीजीआर में कन्वर्ट कर दिया, कलर इमेज में कन्वर्ट कर दिया। इसमें से हमने लैंडमार्क्स फिर से फेच किए, ये लैंडमार्क्स कौन से हैं, रिजल्ट डॉट पोस्ट डॉट लैंडमार्क्स,
हमने फेच किए। इसके बाद अभी हमने अलग लैंडमार्क्स फेच किए हैं, अलग एंगल्स लैंडमार्क्स फेच किए। इसके बाद शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, हिप, नी, एंकल, ये सब के लैंडमार्क्स फेच होंगे। फेच होने के बाद हमने कैलकुलेट किया, एंगल आया था वो हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद जो एंगल आया था उसको हमने कैलकुलेट किया, पहले शोल्डर, एल्बो और रिस्ट का, नी, हिप और शोल्डर का, इसके बाद एंगल एंकल, नी और हिप का। तो तीन एंगल हमको चेक करना है। तीनों का डेटा पुटेक्स से डिस्प्ले होगा। अगर आपका एंगल 170 के ऊपर है तो ही वो परफेक्ट स्टेज है। इसके बाद दोनों कंडीशन, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही आपका स्टेज करेक्ट आएगा, एल्स का आएगा वो इनकरेक्ट स्टेज है। इसके बाद एंकल अच्छा, वन, एंकल वन कौन सा है? शोल्डर, एल्बो और रिस्ट का जो एंकल है वो एंगल है वो, तो वो 170 के ऊपर रहना चाहिए। एंकल टू कौन सा है? नी, हिप और शोल्डर के बीच में, वो 52 से ऊपर रहना चाहिए, और ये 67 से नीचे रहना चाहिए। एंकल टू, एंगल थ्री 170 के ऊपर रहना चाहिए, वो कौन सा है? एंकल, नी और हिप। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही वो करेक्ट स्टेज देगा, एल्स वो नहीं। इसके बाद आई की वैल्यू चेक करेगा। आई की वैल्यू अगर 0 है तो वो क्या करेगा, फ्लैग 0 रखेगा, एल्स आपका स्टेज का वैल्यू चेक करेगा। अगर आपका स्टेज का वैल्यू करेक्ट है, फ्लैग और 0, फ्लैग का वैल्यू 0 है तो वो क्या करेगा, फ्लैग फिर से 0 करेगा और जो काउंटर है उसको इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद वो स्टेज है। अगर स्टेज आपका इनकरेक्ट है और फ्लैग 0 है तो वो क्या करेगा, फ्लैग को 0 ही रखेगा और आई प्लस 1 करेगा। इसके बाद उसको रेक्टेंगल सीवीटी डॉट रेक्टेंगल से हमने वो इमेज का रेक्टेंगल प्लॉट किया, उसमें पुट टेक्स्ट से ये जो इमेज है। इसके बाद स्टेज है, स्टेज कौन सी है, इनकरेक्ट और इनकरेक्ट और करेक्ट है वो स्टेज डिस्प्ले करेगा। इसके बाद ये डेटाबेस में अपडेट करेगा, अपडेट एक्सरसाइज काउंट आपका, अगर प्लैंक का अकाउंट बढ़ेगा तो वो डेटाबेस में इंक्रीमेंट करेगा। ये डिस विंडोज पॉपअप में डिस्प्ले करने के लिए काउंट, एसटीआर काउंटर। इसके बाद मैप डॉट ड्रॉ लैंडमार्क्स, लैंडमार्क्स ड्रॉ करने के लिए। इसके बाद ब्रेक, शोल्डर के लिए भी सेम है। एमपी ड्राइंग, एमपी सॉल्यूशन, ड्रॉ यूटिल्स, ये हमने इनिशियलाइज किया मॉडल। गेट शोल्डर काउंट में क्या होगा, काउंटर 0 है, यूजर नेम, एमपी पोज, जब तक मॉडल स्टार्टेड है तब तक वो वाइल ट्रू। इसके बाद इमेज, इमेज रिपोज, ये इमेज रिस्पॉन्स में वो चेक करेगा फिर से आपका यूआरएल स्टार्ट है कि नहीं। स्टार्ट अगर नहीं रहेगा तो वो ब्रेक करेगा डायरेक्ट। इसके इसीलिए वो सर्वर स्टार्ट रहना चाहिए। कौन सा वाला सर्वर? जो वेब वेब कैमरे वाला। इसलिए हमने एरे में कन्वर्ट किया, उसको फिर से बाइट एरे में कन्वर्ट किया, उसको डिकोड किया, उसको रिसाइज किया, स्मॉल फ्रेम में रिसाइज किया, इमेज में उसको पहले बीजीआर से आरजीबी में कन्वर्ट किया। उसमें से हमने लैंडमार्क्स रिट्रीव किया। लैंडमार्क्स रिट्रीव करने के बाद हमने फिर से उसको बीजीआर में कन्वर्ट किया, लैंडमार्क डॉट रिजल्ट। उस रिजल्ट के लिस्ट में से हमने लैंडमार्क रिट्रीव किए, शोल्डर, एल्बो और रिस्ट। कैलकुलेट एंगल में हमने फिर से एंगल कैलकुलेट किया है। अगर वो वाला एंगल 160 के अबाव है तो क्या है, हमारा स्टेज अप रहेगा। शोल्डर 160 के बीच में, 160 के ऊपर रहेगा तो वो अप है। अगर आपका एंगल का ये एंगल आपका 60 से नीचे है और अगर आपका स्टेज अप है तो ही वो स्टेज डाउन करेगा और जो इंक्रीमेंट है काउंट का इंक्रीमेंट कर देगा।
इसके बाद रेक्टेंगल या अपडेट करेगा डेटाबेस में, ये काउंटर को डिस्प्ले करेगा आपके पॉपअप में, एमपी ड्राइंग में, ड्रॉ लैंडमार्क में हमने जो लैंडमार्क है वो प्लॉट किए हैं, आई एम श्योर से वो इमेज डिस्प्ले होगी, क्यू से वो ब्रेक होगी। स्क्वाड्स में, स्क्वाड्स में क्या होगा, स्क्वाड्स में काउंटर 0, यूजर नेम इज इक्वल टू दिस, यूजर नेम ये जो सेशन से लेगा, एमपी पोज ये जब तक मॉडल स्टार्ट है वो तब तक ट्रू, इमेज रिस्पॉन्स से वो इमेज लेगा, सीवी टू डॉट रिसाइज, कलर कलर में कन्वर्ट करेगा, उसमें से लैंडमार्क्स रिट्रीव करेगा, इसके बाद ये फिर से आरजीबी में कन्वर्ट, बीजीआर में कन्वर्ट करेगा, उस लैंडमार्क्स को रिजल्ट के लिस्ट से वो लैंडमार्क फेच करेगा, शोल्डर एल्बो रिस्ट हिप नी और एंकल, ये लैंडमार्क्स फेच करेगा, फेच करने के बाद एंगल और ये एंगल का नी, ये इनमें से एंगल है कैलकुलेट है, कैलकुलेट क्या करेगा एंगल इनमें से कैलकुलेट करेगा। इसके बाद अगर आपका ये तीनों एंगल, हिप एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल हिप, तो ये तीनों एंगल वो चेक करेगा, अगर आपका एंगल ऑफ नी है 169 से ऊपर है तो वो स्टेज को क्या करेगा अप करेगा, अगर एंगल ऑफ नी इज 90, लेस देन 90 है तो वो क्या करेगा स्टेज, और अगर स्टेज अप है तो वो डाउन करेगा, डेटाबेस में अपडेट करेगा और ये प्लॉट करके आई एम शो से इमेज शो करेगा। इसके बाद ये सब सब मॉडल का सेम है। इसके बाद गैलरी में क्या है, गैलरी में हमने गैलरी का यूआई पार्ट, तो इस गैलरी में क्या है, तो गैलरी में ये लेफ्ट राइट ये हर एक टेक्स्ट व्यू को अलग अलग दिख रहा है, इसका टेक्स्ट व्यू अलग है, इसका टेक्स्ट व्यू अलग है, इसका टेक्स्ट व्यू अलग है, हर एक का एक जीआईएफ दिखाया है इधर। इसके बाद हमने क्या किया, जो टेक्स्ट व्यू है उसके फाइंड व्यू बाय आईडी से हमने उसका टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं उसका कंट्रोल फेच किया, कंट्रोल फेच करने के बाद हमने सर्वर को कॉल किया गेट रिजल्ट के लिए, गेट रिजल्ट के लिए हमने सर्वर को कॉल दिया इधर, तो गेट रिजल्ट में क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्सरसाइज काउंट, एक्सरसाइज काउंट से जो यूजर नेम है, जो यूजर नेम ने सेशन है, सेशन में जो यूजर है उसका नाम पास किया इधर फेच किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस यूजर, डेटा ऑफ दिस यूजर, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से वो डेटा एग्जीक्यूट होगी क्वेरी, कर्सर डॉट फेच वन से जो ओनली वन वैल्यू है और वो फेच होगी, फेच होने के बाद उसको हमने जेसन में कन्वर्ट किया और रिटर्न वो जेसन ऑब्जेक्ट किया इधर, इसके बाद रिजल्ट को हमने जेसन एरे में कन्वर्ट किया, जो जेसन है उसको हमने जेसन एरे में कन्वर्ट किया, उस जेसन एरे से हमने एक एक स्ट्रिंग फेच की, 1 2 3 4 5 6 7, वन में क्या है, वन में बाइसेप काउंट, सेकंड में बाइसेप राइट काउंट, 0 है इसलिए नहीं दी, जो यूजर नेम है वो वैल्यू नहीं चाहिए हमको इसलिए 0 नहीं दी, L1 L2 L ये L1 मीन्स लेफ्ट बाइसेप ये सेट करना है, तो क्या हुआ टेक्स्ट TX1 TX2 TX3 हर एक टेक्स्ट व्यू को सेट किया, सेट टेक्स्ट से वो जो टेक्स्ट आया था वो सेट किया। उसके बाद ये सिंपली लॉग आउट का फंक्शन है, लॉग आउट के लिए फंक्शन के लिए हमने जैसे हम लॉग आउट के बटन पे क्लिक करेंगे
लॉग इन डॉट, कौन से पेज पे जाएगा? लॉग इन डॉट क्लास के पेज पे, दैट्स इट। तो हाँ।